ये है वाइल्ड क्राफ्ट का 60 लीटर का बैकपैक और इसको मैंने फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल में बाय किया हूँ और इसका जो प्राइस है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए पहले मैं इसका फीचर और फैसिलिटी क्या क्या दिया गया है मैं इसको बता देता हूँ। तो जल्दी से इसे ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से ओपन कर देता हूँ जल्दी से और मैं भी देख लेता हूँ मैंने इसे बाय किया है। इसे यहाँ से जल्दी से ओपन कर देता हूँ और ओपन करने के बाद इसके क्या क्या फीचर फैसिलिटी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो फाइनली ये बैग मैंने ओपन कर दिया है, देखिए ये है वाइल्ड क्राफ्ट का 60 लीटर का बैकपैक और इसे भी मैं ओपन करके दिखाऊंगा। और बटन तो खाली है और इसमें एक पर्ची दिया है और इसका जो प्राइस है फ्रेंड्स 1500 रुपया पड़ा है हमको और इसमें जो मैंने 70 सुपर पॉइंट दिए हैं तो 1579 रुपया टोटल पड़ा था। तो इसे मैं साइड कर देता हूँ और इसके बाद मैं आपको उस बैग को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो बैग को मैं ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद देखिए फाइनली ये है वाइल्ड क्राफ्ट का बैग और सबसे पहले आपको यहाँ वाइल्ड क्राफ्ट का एक लोगो देखने के लिए मिलता है और साथ में इसका जो प्राइस है मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ। इसका जो प्राइस है 5590 रुपया, 5599 रुपया प्राइस है जो हमको मिला है मात्र 1579 रुपये में। और वाइल्ड क्राफ्ट की ब्रांडिंग है, साथ में कुछ स्टिकर है देखने के लिए मिल जाता है। तो इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, देखिए यहाँ पे चैन के बजाय जो है ये हुक दिया हुआ है तो चैन ख़राब हो सकता है पर ये हुक ख़राब नहीं होगा। और ये बैग तो बड़ी बैग है तो ऐसे फोल्ड करके रखा हुआ है तो ये थोड़ा सा फोल्ड हो गया है तो मैं इसे सडनली से इसको थोड़ा सीधा कर देता हूँ और आपको मैं पूरे इसमें डिटेल्स में बताऊँगा। बैग की एक बार फुल साइज़ देख लीजिए तो थोड़ा लॉन्ग ही बैग है मतलब सामान के हिसाब से सही है और इसका जो बीच है आप देख सकते हैं ये और साथ में इसमें जो स्ट्रिप दिया हुआ है आप ये बीच में जो है एक एल्युमिनियम टाइप का दिया हुआ है कुछ हार्ड में जिससे बैग आपका सीधा रहेगा। और आपका जो अंदर में है एक लैपटॉप रखने के लिए दिया गया है, आप लैपटॉप इजीली से रख सकते हैं इस बैग में चाहे तो ये फैसिलिटी रुक में मिला है आपको तो ठीक है। और साइड में इसमें चैन की फैसिलिटी है तो इस चैन को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं और चाहे तो बीच से भी आप सामान को बाय कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या है सिस्टम। तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर देता हूँ तो ये खुलने का सिस्टम कहाँ से दिया हुआ है। तो देखिए मैंने इसको यहाँ से खोल दिया हूँ और अगर आप चाहे तो सामान डायरेक्टली आपका मेन कंपाउंड जो है आप यहाँ साइड से अगर कोई सामान ऊपर से रख दिए हैं और चाहे तो आप इधर से आप लास्ट वाला सामान भी इस मेन कंपार्टमेंट से निकाल सकते हैं। तो ये फैसिलिटी है, इसका बढ़िया फैसिलिटी है और छोटा ही बैग है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आप इजी से इसको कैरी कर सकते हैं। और इसको मैं चैन लगा देता हूँ, इसमें डबल चैन दिया हुआ है तो आप इसमें ताला भी लगा सकते हैं चाहे तो। और दिखा देते हैं क्या है, इस साइड भी स्ट्रिप दिया हुआ है तो आप यहाँ से स्ट्रिप को ये थोड़ा सा बैग अगर आपका ज़्यादा कपड़ा है तो आप ये ऊंचा कर सकते हैं, लूज नहीं रहेगा इससे। और साइड में जो है आपका एक यहाँ पे बैग दिया हुआ है, आप कुछ भी पानी बोतल सब रख सकते हैं चाय को। और इस साइड में आपको पानी बोतल रखने के लिए कुछ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट है तो आप रख सकते हैं। और जो इसका जो मेन नीचे वाला कंपार्टमेंट है यहाँ पर एक चैन दिया हुआ है तो इसमें जो है फ्रेंड्स आपका इसमें कवर मिल जाता है, रेन कवर जो कि आप कभी भी बारिश वरिश होता है तो आप आराम से इसमें रेन कवर कर सकते हैं। और साथ में ये स्ट्रिप है ताकि ये मतलब बूम नहीं होगा आपका तो आप इसे मतलब इसमें रहने चाहिए। और ये बड़ा साइज है तो खोल के दिखा देते हैं, ये आराम से जो है आपका ये यहाँ से यहाँ तक जो है फिटिंग हो जाएगा, ऐसे बैग में सामान तो है नहीं तो आराम से यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। और इसमें भी जो है आपको वाइल्ड क्राफ्ट की जो है ब्रांडिंग मिल जाती है देखने के लिए। और जो ये इसकी क्वालिटी है ठीक ठाक है क्वालिटी, मतलब बारिश में नहीं भींगेगा। तो चलिए मैं इसे अंदर कर देता हूँ, इसका तो मुझे जरूरत है नहीं, पूरा बैग का आपको हर चीज़ आपको रिव्यू दिखा दिया है। और जो बैग की क्वालिटी है ठीक ठाक है और नीचे भी जो है आपको यहाँ पे भी एक वाइल्ड क्राफ्ट की ब्रांडिंग मिल जाती है देखने के लिए। और जो बैग का लुक है वो भी अंदर से भी आपको जो यहाँ पे अगर बारिश हो जाएगी तो आप अंदर में ये डबल लेयर में है आपका, ऊपर से भी ये है जो पॉलिस्टर टाइप में है ये आपका मतलब बारिश में इसमें पानी नहीं जाएगा। और जो आपका सेकेंड लेयर है इसमें भी आपका पानी से नहीं भीगेगा। और जो है इसमें भी ब्रांडिंग है वाइल्ड क्राफ्ट के, यहाँ पे आपको कपड़े में ये देखिए यहाँ पे W लिखा हुआ है तो ये वाइल्ड क्राफ्ट के ब्रांडिंग है। तो मैंने पूरे डिटेल्स में बता दिया आपको, नीचे में यहाँ पे एक अंदर में छोटा सा पैकेट मिलेगा, अगर आप इसमें कुछ भी खुला या कार्ड आई कार्ड पर्स कुछ रखना चाहते हैं तो आप इजीली से इसमें रख सकते हैं, ये भी मेन कंपार्टमेंट है। और इसके साथ ही इसमें जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आपको चैन का सिस्टम मिलता है, आप इसे चाहे तो आप आराम से इजीली से निकाल भी सकते हैं अगर चाहे तो।
तो अभी तो मुझे निकालना नहीं है फिलहाल, मैंने आपको बताया केवल ऐसा। और जो इसकी मेन ब्रांडिंग है ये भी यहाँ पे वाइल्ड क्राफ्ट की है, तो इस तरह से मैंने पूरा डिटेल बता दिया है। और साथ में जो पीछे का जो ये स्ट्रिप है ये भी मतलब ठीक ठाक क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी में, आप इसे अपनी मर्जी के हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं, ईजिली से ये बढ़ जाएगा, कितना भी खींचने से ये खिंचाएगा नहीं। और इस साइड भी वही सेम प्रोसेस है, आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं और बहुत ही ईजिली से बढ़ता घटता है। और जो साथ में पीछे आपको यहाँ पे दो कंपार्टमेंट मिला हुआ है, आप यहाँ पे कमर बैग में आपको लग रहा है कि ज़्यादा वजन है तो आप आराम से यहाँ पे स्ट्रिप लगा सकते हैं। और जो ये सेकेंड स्ट्रिप है इसको भी लगा सकते हैं, इससे आप अगर बैग में ज़्यादा भी सामान रहेगा तो पीछे साइड मतलब ढीला नहीं पड़ेगा और आप आराम से कैरी कर सकते हैं। साथ में जो ये स्ट्रिप दिया हुआ ये फॉर्म ये भी बहुत कम्फर्टेबल है, तो आपको आराम से मतलब पीठ में लेने के बाद आपको छुपेगा नहीं अगर सामान छुपने वाला भी होगा तो। कुल मिला के ठीक ठाक स्ट्रिप है, देख सकते हैं ये भी बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो इसका ये स्ट्रिप है ये भी बहुत हार्ड क्वालिटी में है, मतलब इतना नॉर्मल नहीं है, ठीक ठाक क्वालिटी है और इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैंने एक साल यूज करूँगा तो ये लूज हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये ठीक ठाक क्वालिटी है। और साथ में ये सब कुछ यहाँ पे अलग से आपको ये भी मिल जाता है कि आप अगर इसको और ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं, ये भी छोटा बड़ा करने का सिस्टम है। और साथ में ये है कि अगर आप इसको हाथ में कैरी करना चाहते हैं तो हाथ में भी कैरी कर सकते हैं। और जो इसका मेन है आपको यहाँ पे भी एक देखिए एक चैन दिया हुआ है, आप यहाँ पे भी अगर कुछ रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। ये जो एक मेन कंपार्टमेंट है ये सबसे ऊपर में अगर आप कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो ये था 60 लीटर का ये बैग है वाइल्ड क्राफ्ट का, जो मैंने फ्लिपकार्ट से बिग बिलियन डे सेल में बाय किया हूँ। ऐसे इसका नॉर्मली प्राइस 2000 से ऊपर ही रहा था फ्लिपकार्ट में, तो कम प्राइस था तो मैंने ले लिया। और ये बैग का पूरा लुक है इस तरह से, आप इसको जो यहाँ पे ऊपर भी कर सकते हैं और इसको आप फोल्ड भी कर सकते हैं इस तरह से जब आप सामान ले लेंगे तो। और यहाँ पे चेन नहीं है, चेन क्या है बाद में ख़राब भी हो सकते हैं, और ये ख़राब नहीं होगा, ये इस तरह से आप इसको लॉक कर सकते हैं और इसको यहाँ से आप स्ट्रिप लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये ठीक ठाक है फ्रेंड्स, आप आराम से इसमें जा सकते हैं। अगर आप भी बैग को बाय करना चाहते हैं 60 लीटर के बैग पे तो आप आराम से इस बैग को बाय कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और प्राइस भी ठीक ठाक है नॉर्मली। तो आपको कैसा लगा ये बैग का रिव्यू आप बता सकते हैं, और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इजीली से कर सकते हैं। इसका प्राइस 1589 रुपया और बैग का जो पूरा है आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, कुछ इस टाइप का बैग लगेगा टांगने के बाद। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।